चलो चलो सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। इस वक्त हम तीसरे दिन जाफराबाद के प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। यहाँ महिलाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज तो तमाम भीड़ देखने को मिलेगी, जेंट्स की, लेडीज की, हर किसी की, बच्चों की भी बड़ी तादाद है इस प्रोटेस्ट के अंदर। जाफराबाद जो एरिया पड़ता है वो सीलमपुर विधानसभा के अंदर पड़ता है। सीलमपुर विधानसभा हमेशा चर्चा में रहती है, चाहे राजनीति हो, व्यवसाय हो या गैंगवार हो। यहाँ का एरिया जो है बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मैं कि आपको बता दूँ, पॉलिटिकल ग्राउंड को लेकर यहाँ पे काफ़ी समय तक चौधरी मतीन कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, लेकिन हाजी इशाक खां 5 साल से एमएलए थे, उनका इस बार टिकट कट गया। यहाँ के काउंसलर, एग्जिस्टिंग काउंसलर अब्दुल रहमान थे, उनको टिकट मिल गया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के यहाँ कोई नेता आते हैं, उनको यहाँ के प्रोटेस्टर गोबैक के नारे लगा कर भगा देते हैं। कुछ दिन पहले अब्दुल रहमान यहाँ पर आए थे, उनको भी गोबैक के नारे लगा के भगा दिया। यानी कि यहाँ पे सीलमपुर विधानसभा की जनता है, यानी कि लेडीज़ हैं ज़्यादातर यहाँ पे, वो उन्होंने अब्दुल रहमान जो काउंसलर है उनका एमएलए का टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है, उनको गोबैक के नारे लगा के भगा दिया। इससे जाहिर होता है कि जनता में ना खुशी जाहिर होती है, या तो हाजी इशाक खां का टिकट कटा है या फिर अब्दुल रहमान को नापसंद करते हों यहाँ के लोग, वो अलग बात है। लेकिन बीएसपी ने भी अपनी लिस्ट क्लियर करते हुए नज़र आया है कि बीएसपी ने भी कुछ कैंडिडेट उतारे हैं जो यहाँ सीलमपुर विधानसभा से है। वो अफजल सिद्दीकी को टिकट दिया है सीलमपुर विधानसभा से, अफजल सिद्दीकी को सीलमपुर विधानसभा से टिकट दिया है बीएसपी ने, और गोंडा विधानसभा से हाजी मेहरुद्दीन को टिकट दिया है बीएसपी ने। अब देखना है कि बीएसपी इन कैंडिडेट के साथ कितना ज़्यादा बेनिफिट ले पाती है, क्योंकि दिल्ली में बीएसपी का इतना जमावड़ा नहीं है, इतना गढ़ नहीं है दिल्ली के अंदर, लेकिन कैंडिडेट अच्छे चुने हैं। जैसे कि अफजल सिद्दीकी जो मौजपुर वार्ड के काउंसलर के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन अब वो सीलमपुर विधानसभा के एमएलए के इलेक्शन लड़ेंगे बीएसपी से। लेकिन मेरे साथ कुछ लेडीज़ हैं यहाँ पे जो 2-3 दिन से डटी पड़ी हैं और अपना हक मांग रही हैं। इनसे जानेंगे ये चाहती क्या हैं और ये कितने दिन चलेगा इनका प्रोटेस्ट। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया जी, नाजिया, ये प्रोटेस्ट कितने दिनों के चलते हैं? सर ये प्रोटेस्ट तो तब तक चलेगा तब तक मोदी जी हमारी बात नहीं सुन लेते। अच्छा, मोदी जी तो सबकी बात सुनते हैं, दिल की बात सुनाते हैं। सर वो मन की बात नहीं, बस वो आरएसएस की बात सुनते हैं, वो जनता की बात नहीं सुनते, वो मोहन भागवत की बात सुनते हैं। वो आप चाहते क्या है? हम ये प्रोटेस्ट, ये एनआरसी और सीए के लिए प्रोटेस्ट है। हम इस बिल के बिल्कुल खिलाफ है। हमने इससे परेशानी नहीं है कि किसी को भी वो दें ये नागरिकता। हमें परेशानी है कि हमारा देश सेकुलर है, सेकुलर कंट्री है, इस पर मज़हब के हिसाब से कोई वो नहीं होता। आप हिंदू को भी दें, फारसी, सब बुद्ध को, ईसाई को, सबको दें, मगर मुस्लिम समुदाय को क्यों उन्होंने टारगेट बनाया? ये साफ साफ दिखता है इन्होंने। और वैसे भी मेरे हिसाब से बिल लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे देश में नागरिकता पहले भी दी जाती थी, आपने पहले ही यानी कि आपकी नाराज़गी है कि नागरिकता पहले भी दी जा रही थी
अब ये बिल क्यों लाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी ने तो एनआरसी के बारे में मना कर दिया कि एनआरसी हम ऐसा लेके नहीं आ रहे। उनके हमारे गृह मंत्री कहते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं एनआरसी होगा होगा होगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रामलीला मैदान से एनआरसी का तो जिक्र ही नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं सुनने में मिला है, प्रोटेस्टर हमेशा इस बात को कहते हैं, ये अफवाह जो फैलाई जा रही है विपक्ष से नहीं बीजेपी के द्वारा ही फैलाई जा रही है। मेरे साथ और भी लेडीज हैं, आप बच्चे क्या कहना है? सिद्रा। नाम आपका? सिद्रा। क्या आप यहाँ क्यों आए हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम यहाँ प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कानून जो है ये सबके खिलाफ है, इस चीज़ को हम नहीं कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये हिंदुओं भी बोल रहे हैं कि हमें पता है कि अगर ये हिंदू राज बन गया तो वो लड़कियों पर पाबंदी लगाएंगे, लड़कियों को बोलेंगे तुम लक्ष्मी हो। लड़कियों की पाबंदी का तो कोई सवाल ही नहीं है इस कानून में। नहीं, वो हिंदू राज बन जाएगा तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ की, वो धीरे धीरे फिर होंगे। अच्छा, यानी कि आपको डर है कि हिंदू राष्ट्र इससे बन सकता है? हाँ, बन सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बिल के बारे में? ये प्रोटेस्ट हमारे सीए के खिलाफ चल रहा है जो कि ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, और जैसे कि अमित शाह ने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में कई बार जिक्र करा है कि हम एनआरसी लगा के रहेंगे। क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा, तो दैट्स व्हाई हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग तो यानी कि आप क्रोनोलॉजी समझ गए ना सारी? बिल्कुल, हम उनकी क्रोनोलॉजी समझ सके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके धरना दे रखे। जो लोग बोल रहे हैं कि एनआरसी का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, प्लीज़ जाके आप लोग अमित शाह का इंटरव्यू देखिए। ये जाफराबाद की वो लड़कियां हैं जो अमूमन घर से नहीं निकलती, लेकिन अब इनके दिल पे ठेस लगी या ऐसा बिल पास हुआ है जिसकी वजह से बाहर निकल के आई हैं और अपनी बात निकालना चाहती हैं। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि शाहीन बाग की औरतें वहाँ पे 500 रुपए लेकर वीडियो वायरल हुई, अमित शाह ने वीडियो वायरल की है कि शाहीन बाग की औरतें वहाँ पे 500 रुपए लेकर बैठ, अमित मालविया आईटी सेक, अमित शाह की वीडियो दी, ट्वीट किया उन्होंने, तो उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि वीडियो में एक इंसान बोल रहा है कि 500 रुपए की लेकर शाहीन बाग की औरतें बैठी हुई हैं। तो ऐसे पूरी इंडिया में क्या शाहीन बाग, मतलब शाहीन बाग की, या एक सेकेंड अगर आपके पास तो बहुत पैसा है ना, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप अगर वो 500 रुपए लेकर बैठी हैं तो आप 5,000 रुपए देकर उठा दिए, आप उठा दीजिए उन्हें। फिर वाजिब सवाल लगता है, क्या कहना चाहते हैं सर? वो बोल रहे हैं 500-500 रुपए दे के उन्होंने औरतों को बिठाया। अच्छा, यहाँ पे भी बिठाया क्या? नहीं, 500-500 रुपए क्या वो अपने घर से लेकर आए थे, सारा पैसा तो उन्होंने अंबानी और अडानी को और नीरव मोदी को दे दिया, जनता के पास कुछ बचा नहीं, भूखमरी, महंगाई, एजुकेशन सेक्टर में कुछ नहीं। नोबडी जो यहाँ चल रहा है जाफराबाद के अंदर, जैसे कि विपक्ष ने, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मंत्रियों ने ट्वीट किया है कि 500 रुपए लेके ये प्रोटेस्ट कर रही हैं लेडीज़ें, क्या जाफराबाद के अंदर क्या कंडीशन? दिस इज टोटली इनरेलेवेंट, बिकॉज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इंसान रात में इतनी रात में क्यों आ रहा है? इसका एक बेसिक ये है कि आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। नाम आपका? मेरा नाम उरूज हुसैन है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जाम, एंड माई पॉइंट इज द मेन पॉइंट माई इज, अगर आप किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहेंगे तो वो हम कभी होने नहीं देंगे। इट इज़ नॉट अबाउट यू एंड मी, इट इज़ अबाउट अस। अगर हम ये गलत करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या होगा हमारे आगे वाले लोगों को, आगे जो जनरेशन आएगी, what will we say about them? तो यानी कि आप आगे की जनरेशन के लिए जवाब देने के लिए उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हम अपने लिए, और हम एक ये बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है एक, कि हम हर तरीके से बचाना चाह रहे हैं पहले को भी और आगे को भी, जिससे सब कुछ एक बिल्कुल क्या बोलते हैं ठीक तरीके से हो। मेरा बस कहना इतना ही है मोदी जी से कि आप बोलते हैं कि हम किसी भी तरीके से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, आपने सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो यही कर दिया कि आप हमारे, और ये मुस्लिम के बारे में नहीं है, ये सारे हम जितने भी नॉर्मल इंसान है उनके बारे में, आप इंसानों के तो बारे में सोच रहे हैं नहीं, आप सोच रहे हैं गाय के बारे में, आप सोच रहे हैं भैंस के बारे में, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आज इंडिया की वुमेन्स के साथ कितनी ब्रुटैलिटी हो रही है, जामिया में क्या हुआ, एएमयू में क्या हुआ, नोबडी इज टॉकिंग। यानी कि आपका जो गुस्सा है, जो यहाँ पे इतनी सारी लेडीज आई हैं, वो जामिया में जिस तरह की
घटना हुई थी जेएनयू में हुई थी, ये उसको भी लेके है या आपका एनआरसी सीए या एनपीआर इज रिलेटेड इन इट? माय बेसिक पॉइंट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड इन इट. हम एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मास में बात कर रहे हैं. हम ये बात कर रहे हैं कि एक ही चीज नहीं होती, आप करते जाओगे तो इंटरलिंक्ड होती रहती हैं चीजें, ये तो आप भी जानते हैं. तो बात ये है कि इन्होंने जब ब्रुटैलिटी की 15 दिसंबर को जामिया में एएमयू में, तो आई फेल्ट वेरी बैड पर्सनली एंड आई फेल्ट दैट दिस शुडंट बी डन बाय देम. हम पुलिस को ये चाहते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा करें, एंड व्हाट पुलिस इज डूइंग, दे आर बीटिंग अस, दे आर बीटिंग अस एज इफ वी आर एनिमल्स. हु दे आर, मतलब व्हाट दे कैन डू टू अस, दिस इज नॉट जस्टिसेबल एंड वी आर टोटली नॉट सपोर्ट देम. दैट्स ऑल वी कैन से अबाउट. ये वो बच्चे हैं जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए कॉलेज जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज इनके दिल में ऐसी कौन सी आग लगी है जिसकी वजह से ये रात दिन बारिश में कल बारिश थी फिर भी इनका प्रोटेस्ट जारी था, और आज तो बेशुमार तादाद में यहाँ लोग हैं. हम ऐसे ही आपको और लोगों से भी बताते रहेंगे, मालूम करेंगे. एनआरसी इज टोटली अनडिस्क्रिमिनेटिव. आपकी नाराजगी इस पे एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर, एनपीआर को लेकर? सीए देखिए अभी आएगा, लेकिन उसको सीए भी जो था सीए एक्ट बन चुका है, ठीक है. एनआरसी के लिए गवर्नमेंट ने से जब रिलेट किया जाएगा तो एक एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेटिव होगा टू द वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी. एंड दिस इज नॉट अबाउट द मुस्लिम, दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. आप पूरे प्रीएम्बल को चेंज करना चाहते हैं, आप उसकी एक एक सोशल इक्वालिटी हर चीज को आप क्या नाम है आपका, आपका क्या नाम है? श्रुति. श्रुति, इस प्रोटेस्ट में मोस्टली हमेशा कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को, मतलब ये मुस्लिमों का प्रोटेस्ट है, आप क्या कहना चाहते हो, ये मुस्लिमों का प्रोटेस्ट है या सारी समाज का? ये सोचना ही सबसे बड़ी गलती है कि ये सिर्फ मुस्लिम्स का प्रोटेस्ट है. दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. नो, कॉन्स्टिट्यूशन को आप बिल्कुल बदल देना चाहते हो. मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो ब्लेम कर रहे हैं चीज को, जानबूझ के डिवाइडेड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं उन लोगों को आपके थ्रू एक संदेश देना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट कैसा, किस किन लोगों के लिए है और किन लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए? ये प्रोटेस्ट हर एक इंडियन को करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडियन को ये देखना चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जो मेन उसकी वो है उसको उनको पूरा पूरे को चेंज करना चाहते हो. यहाँ एक बात एक रिलीजन की नहीं हो रही है. इस इंडिया को इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हर धर्म का इंसान रहता है. अगर आप उसको ये सोचोगे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, एक सेक्शन का बिगड़ रहा है, तो आप ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ही कर रहे हो, क्योंकि आप इन फ्यूचर इंडिया को पूरा का पूरा चेंज करने की सोच. एनआरसी अगर लागू होता है, वैसे तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, एनआरसी अगर लागू होता तो साबित तो सबको ही करना है, वो तो बात की बात है. लेकिन यहाँ मैं एक कहना चाहती हूँ, हम जहाँ पे बॉर्न होते हैं हम वहीं के सिटीजन कहलाते हैं. जब हमने यहाँ पे अपना जन्म लिया है तो कैसी सरकार हमसे आके हमारी नागरिकता का सवाल पूछ सकती है? नहीं पूछा गया जब वोटर्स थे हम और वोट करने जा रहे थे. ये तब हाँ, ये वाजिब सवाल है. उस बन जाती है तो वो हमसे सवाल करते हैं, वो हमसे सवाल करते हैं कि हम कौन है. वाजिब सवाल. आप क्या कहना चाहते जिया, क्या कहना चाहते हो इस प्रोटेस्ट के बारे में? यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है किस वजह से चल रहा है और आपकी डिमांड क्या है? ये जो प्रोटेस्ट है सीए एंड एनआरसी के ऊपर है. ये जो गवर्नमेंट पावर में है और जो हमसे सिटीजनशिप का प्रूफ मांग रही है, पहली बात तो जब हमने वोट दिया तब तो ये हमसे प्रूफ मांगने आए नहीं. अभी हमसे प्रूफ किस बात का मांग रहे हैं? ये कब तक चलेगा? कब तो अपनी पावर छोड़नी चाहिए, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे. और अगर ये ऐसा कर ही रहे हैं, इंडिया इंडिया ही नहीं है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं. इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये? ऐसा तो नहीं है ना, राज्यसभा लोकसभा में बिल पास करा है, उसके बाद कानून बनाया है, फिर ये पास करा है. व्हाटएवर इट इज, बट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इसमें तो वॉयलेशन ही हो रहा है. माय नेम इज ज़ैनब. मैं ये कहना ज़ैनब मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आपने भी कहावत सुनी होगी, इट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. ठीक है, हम नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं. आप हमसे नागरिकता का सबूत मांगते हो, तो आप ये साबित करके दिखाओ कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं. हम क्यों साबित करें कि इस देश के नागरिक हैं हम? वो कानून तो इसलिए लेके आए ना कि नागरिक है नहीं है, घुसपैठिए क्या? तो आप क्या कहना चाहते हो? आप कानून लेके आए हो, तो उस कानून को आप धर्म के आधार पे क्यों बांट रहे हो? हम इस सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं. आपकी नाराजगी धर्म के आधार पर? जी बिल्कुल. श्रुति आप बताइए, आप क्रिश्चियन को अलग कर रहे हैं, जूस को अलग कर रहे हैं, आप मतलब आपने सब रिलीजन्स को एक तरफ कर दिया है, तो बचा कौन? मुस्लिम्स. सिर्फ वही साबित करेंगे, और अगर वो साबित नहीं करते हैं तो वही बाहर जाएंगे, और आप उधर से अपना वोट बैंक क्रिएट करेंगे, आप उधर से हिंदूज को लाएंगे, उनको आप यहाँ पे देंगे सिटीजनशिप?
की रीजन है कि वोट बैंक के लिए काम हो रहा है, यानी कि वोट बैंक के लिए सारा काम हो रहा है। सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों उठ रहा है ये सवाल, हिंदू जात के लिए भी तो होना चाहिए, और जो बाहर से लोग आएंगे उन्हें क्यों यहाँ पना मिल रही है इंडिया। आपकी नाराजगी है कि सबको साथ हूँ? नाराजगी हमारी ये है कि हम प्रूफ नहीं दिखाएंगे कोई भी। अच्छा, हम प्रूफ नहीं दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो, हम प्रूफ नहीं देंगे। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, हम प्रूफ नहीं दिखाएंगे, और चाहे होंगे जिनके पास होंगे भी ना, वो भी नहीं दिखाएगा प्रूफ, और मोदी जी को मानना पड़ेगा। और अगर चाय बेच के उनका पूरा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान बेचने पे आ गए ये, और लाल किला भी बेच के वो नहीं आया है खबर। यहाँ सिर्फ सबका सवाल है, हिंदू मुसलमान सब एरिया है, यहाँ पे पैसा नहीं है, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? बात सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है, बात उन गरीब लोगों की है जो सड़कों पे हैं। बिल्कुल बात सिर्फ सवाल है, क्योंकि प्रूफ तो सबको ही साबित करेंगे और एक्चुअली फंसेंगे वही लोग। देखिए, हमारे लिए तो केजरीवाल भी हिंदू है, मोदी जी भी हिंदू है, जो हमारे अच्छे काम करेंगे उनके साथ हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हमारा कोई नहीं। नहीं, ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने हम सबको ये कहा है कि नागरिकता सिद्ध करो, उसमें वोटर कार्ड ले लें। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप NRC लाना चाहते हैं तो इससे अच्छा आप ये कीजिए, आप फिर से अपनी सीट को छोड़ दीजिए, फिर से वोटिंग कराइए आप, ठीक है? ना कि हमसे आप मांगेंगे कि सिटीजनशिप हम देंगे, आप एक्चुअली नीचे उतरेंगे, हम आपको फिर से सेलेक्ट करते ही नहीं यहाँ पे। और दूसरी बात तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये लोगों ने ये बोला है, ये लोग क्या कहते थे, पहले क्या था, नेचुरलाइजेशन था, ये हमारे प्रीएम्बल में था कि भाई 4-5 तरीके से आपको मिल जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। अब उसमें क्या किया इन्होंने, बदलाव कर दिए। नेचुरलाइजेशन में इन्होंने ये किया कि जो इल्लीगल मुस्लिम इल्लीगल माइग्रेंट्स होंगे, अब इन्होंने ये किया, सिंपल बात इन्होंने सिर्फ ये। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उरूज हुसैन है। उरूज, मुझे उरूज हुसैन, उरूज आप कानून की पढ़ाई कर रही हैं, तो मुझे आपसे ये जानना है CA, NRC और NPR में क्या मतलब नाराजगी, मेन किस चीज़ की नाराजगी है और है क्या ये? ठीक है, CA जो है पहले तो वो बिल था, अब तो चलो पास हो गया, तो ये ऐसा बिल है जो बहुत ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो इल्लीगल माइग्रेंट्स होंगे, इल्लीगल माइग्रेंट्स इज अ टोटल और बिल्कुल सही चीज़ बोली जाएगी उनके लिए, क्योंकि वो आएंगे और वो यहाँ रहेंगे, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है कि हमें यहाँ पे, हम खुद एक तरीके से यहाँ का इतना बंदा अनएम्प्लॉयड है, ये कहाँ रखेंगे, कहाँ इनको खिलाएंगे, कहाँ इनको पिलाएंगे? हम खुद सही से मतलब हम जी रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ से NRC लागू करके बहुत सारे भी निकाल भी तो देंगे। यही तो इनकी सारी बात है ना, ये बिल्कुल उल्टी गेम खेल रहे हैं। और अब NRC की बात है, NRC में अभी ये कह रहे हैं, क्या लगता है ये कानून क्यों किया है? हाँ, ये तो ये हो गया, इंडियन लोगों को हम भगा रहे हैं, इंडियन लोगों को हम भगा रहे हैं, और बाहर के लोग धीरे 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 इंडियन लोगों को हम भगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं, हमारे जो हैं वो निकलो, और जो बाहर के नहीं नहीं तुम हमारे अपने हो, तुम हम तो अपने पास रखेंगे। वैसे इनको मोदी के साथ आप भी हो, आप भी मोदी के साथ हो क्या? नहीं नहीं, मोदी के साथ मोदी नहीं है, दिखा दे रही ना न्यूज वाले जो मोदी के लिए बोला जाता है, मोदी के खिलाफ गोद ले रहे हैं और अपना मोदी वोट दे रहे हैं। ये कुछ लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं मीडिया से, क्योंकि मीडिया वाकई में यहाँ कवर कर नहीं रहा, और कुछ सोशल मीडिया कवर कर रहे हैं, तो उनको भी उसमें इनका भी बायकट किया जा रहा है। ऐसी एक नाराज लेडीज थी जिन्होंने हमसे भी कहा कि आप हमें दिखाते नहीं हो, इसे भी कवर करने आए हो, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, हमारा चैनल दिखा रहा है लगातार आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे चैनल में लगातार NRC से रिलेटेड सारे प्रोटेस्ट चलते हैं, चाहे जामिया में हो, चाहे खुरेजी हो, चाहे जाफराबाद में हो, चाहे मुंबई में हो, हर जगह कवर होता है, हमारे रिपोर्टर हिंदुस्तान में हर जगह हैं। इन जो बच्चों की, स्टूडेंट की, जो लेडीज़ों की नाराज़गी है, वो सबसे बड़ी नाराज़गी यह है कि जो कानून लाया गया है वो कानून ही कानून के खिलाफ है, इसलिए जब तक ये कानून रोल बैक नहीं होगा और NRC को लेकर PM या कोई सीनियर अधिकारी या सीनियर मंत्री ये नहीं कहता कि NRC NPR को वापस नहीं लेके आएंगे हम, जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ऐसे ही मैं कुछ लोगों से और से भी बात कराऊंगा, अभी यहाँ तक मेरे साथ बने रहिएगा।